यस वी आर लाइव नाउ. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. डिस्कस करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट या स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सांवेगिक बुद्धि विकास और इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं उनको समझेंगे. तो इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस क्या हैं, इससे पहले एक और वीडियो हम इमोशनल डेवलपमेंट पर कर चुके हैं जो आपको देखना ज़रूरी है. मैं ये कहूँगी अगर अभी तक ना देखा हो. वीडियो का नाम है इमोशंस एंड कॉग्निशन, कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग. तो ये इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा. ये पहले का वीडियो है, 2 महीने पहले का, बट उसमें कुछ थ्योरीज भी कराई हुई हैं कॉग्निशन एंड इमोशन की, तो वो ज़रूर देखें. आज कुछ नई और कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज करेंगे. इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे, किसने इसको पहली बार यूज़ किया, किस तरह से हम इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, क्या इनका रोल है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. और बिल्कुल वेलकम है जी सभी को. नोटिफिकेशन बिल्कुल पहुंचा नहीं है क्योंकि ये सेशन की उम्मीद नहीं थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. मैं बेहतर हूँ बस. एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही है अमिता जी, सही बात है. गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. आई होप आप सभी बेहतर होंगे. और ये बहुत अमेजिंग सा सेशन था, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया, दैट्स ओके. बट बड़ा मतलब ये एक दिक्कत हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू था, कुछ क्या, कई तरह के टेक्निकल इशू थे. तो कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, कोई बात नहीं, ऐसे अनिश्चितताओं का नाम ही जीवन है. बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया. खैर, मैं ऐसे तैयार थी एकदम, ये सब लिखा हुआ था, 2-500 के नोट निकाल करके, डेनियल गोलमैन की बुक निकाल करके, मैंने कहा मस्त एग्जाम्पल्स देने हैं आज. और ये जो टेक्निकल ग्लिच था वो एकदम तुरंत आ गया और हमारा सेशन 9 से 10 बज गए इसको ठीक करते करते. खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, स्टार्ट करते हैं. हाँ बिल्कुल हाँ, इसको कल के लिए डिले कर दिया था बट फाइनली ये चल पाया. ब्राइटनेस कम करो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है क्या, बताओ. अगर ठीक है, चलने लायक है तो बताओ, अदरवाइज फिर कम किया जाएगा ब्राइटनेस को. फटाफट से बताओ फिर आगे बढ़ेंगे. बहुत अमेजिंग सेशन रहने वाला है, मजा आएगा एकदम, कुछ नया सीखेंगे. 10 सितंबर आने वाला है मानसी, ऐसे बहुत बढ़िया. पहले आज समझ लेते हैं. हाँ ये बताओ, लाइट बहुत ज्यादा है या चल जाएगा आज के लिए, फिर मैनेज करो क्योंकि सेटिंग्स दोबारा हुई हैं तो लाइट का इशू हो सकता है. फटाफट से बताओ. जिनको स्टार्ट करने में इशू है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसको आप क्लिक करेंगे एरो पर, नीचे की तरफ एरो होगा. 2 लिंक होंगे, एक होगा CDP फुल कोर्स बाय हिमांशी सिंह, दूसरा होगा CDP का एक कोर्स जिसमें 40 वीडियोस हैं. आप प्लेलिस्ट खोल के, बस वो 40 वीडियोस वाला है, ये वाली वीडियोस वाला भी आप ओपन करके शुरू करेंगे, एक तरफ से होता चला जाएगा. और आप CTET का पेपर अटेम्प्ट करके देखिएगा वो 40 नंबर करने के बाद, मतलब 40 वीडियोस करने के बाद, अगर जिन्हें शुरू करने में दिक्कत है. ठीक है, थोड़ी ज़्यादा है पर चल जाएगी, मैनेज कर लेंगे. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्या क्या इशू है. चल जाएगा, ऑलरेडी लेट हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा लाइट का मैनेज कर लेना, थोड़ी चुभ रही है बट इट्स ओके. हाँ तो इमोशंस क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है. इमोशंस मतलब संवेग, हम सभी समझते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना, इनको एग्जाम के लिए, खुद के लिए, बच्चों को समझने के लिए, सभी के लिए. इमोशंस यानी कि संवेग हैं क्या, वो बाद में समझेंगे, पहले देखेंगे कि इनका रोल क्या है. तो इमोशंस कलर आर लाइफ, ऐसा रैथस ने कहा है कि मतलब जो संवेग है हमारे जीवन को ऐसे रंगमय बनाते हैं, अदरवाइज तो फीका फीका हो जाएगा सब, रोबोटिक बन जाएंगे हम. अगर आप सोच के देखिए, सभी ह्यूमन बींग्स में या इवन जानवरों में भी क्या है, इमोशंस होते हैं. ठीक है, संवेग हैं. अब इनके बिना, अगर संवेग ही ना हो तो हम रोबोट्स नहीं हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल एकदम मशीन के तरीके से काम करेंगे, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, है ना. और इमोशंस हैं क्या, फिर ये बात आ जाती है. तो इमोशंस जैसा कि हम नाम से जान पाते हैं, हाँ नाम से जान पाते हैं, जैसा कि हम इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, मतलब कि टू मूव, जिसका अर्थ होता है या ये निकला कहां से, तो जो इसकी उत्पत्ति है, जो इसका एसेंस है, वो है इमोवियर नाम के एक वर्ड से, जो कि एक लैटिन वर्ड है. इमोवियर एक लैटिन शब्द, और जिसका अर्थ होता है टू स्टर अप
या स्टर्ड अप स्टेट मतलब कि उत्तेजित दशा, ठीक है, उत्तेजित दशा कह सकते हैं इसको, मतलब एनर्जी इन मोशन, मतलब बहाव है कहीं ना कहीं उस एनर्जी का किसी एक तरफ, ठीक। तो स्टर्ड अप स्टेट, स्टर्ड अप स्टेट अभी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या दिशा दी गई है, ठीक है। तो इसको बेसिकली वुडवर्थ ने भी कहा है कि भाई अ स्टर्ड अप स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब बहाव में कहीं ना कहीं उत्तेजना का स्टेट है, चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो, चाहे वो आपके दिमाग के लेवल पर हो। अगर हम बात करें तो कई लोग कहते हैं जन्म से होते हैं, कई लोग कहते हैं बाद में जन्म लेते हैं। जो जन्म की बात करते हैं वो हैं वॉटसन, बेसिकली वॉटसन कहते हैं जन्म से तीन संवेग होते हैं, और भी लोग हैं बट वॉटसन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। जे बी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने तीन प्रकार के इमोशंस की बात की जो जन्म से होते हैं, फॉल फियर मतलब कि भय, सेकंड है एंगर यानी कि क्रोध, और थर्ड वन इज एल से लव प्रेम। तो ये तीन इमोशन इन्होंने जन्म से बताए एक व्यक्ति में या बच्चे में कहें तो। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया भी था, इससे पहले भी हमने किया है, और बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो फॉल को हमने समझा जिसको दिया वॉटसन ने, ठीक है, तो ये जन्म से होंगे। अब इनकी जरूरत क्या है, मतलब ये जो एनर्जी इन मोशन है, उत्तेजित दशा है, इनका रोल क्या है हमारी लाइफ में? भाई एक तरह से कह सकते हैं हम इंसान बनाते हैं, कलर करते हैं हमारी लाइफ को, और इनको कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है जितना इनका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने समझा अभी, अब हम आएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अच्छा, इससे पहले दो और चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको फीचर कह सकते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इमोशंस को लेकर के। इमोशंस हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, हर परिपेक्ष में इमोशंस इन्वॉल्व हैं, चाहे आप दुख में हो, सुख में हो, शादी में हो, मौत में हो, कहीं हो, इमोशंस होते हैं, है ना। और ये हमें इम्पैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, हमारी हर चीज को लगभग इम्पैक्ट करते हैं, चाहे हमारी लर्निंग हो मतलब हमारा सीखने का तरीका, सीखना, चाहे मोटिवेशन का लेवल हो, चाहे हमारा संज्ञान मतलब हमारा दिमाग, हमारा कॉग्निशन हो, हर चीज को लगभग इम्पैक्ट करेंगे। तो क्या करना चाहिए, कोशिश ये हो, डिपेंड ये करेगा कि आपने किसी एक इमोशन को अडेप्ट कैसे किया है। अडेप्टेशन इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा किसी भी एक इमोशन का, मतलब कि आपने इसको अनुकूलित किस तरह से किया है, आपने एक तरह से आपने इसको दिशा कौन सी दी है, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव दिशा दी है या पॉजिटिवली अडेप्ट किया है किसी इमोशन को, तो क्या होगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। अगर नेगेटिव किया है तो वो नेगेटिव फीलिंग देगा या नेगेटिव तरीके से, फिर आपके फिजिकल रिस्पॉन्स भी उधर ही जाएंगे, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है इमोशंस के बारे में जानना, फिर आएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पर। इमोशंस के बारे में जानना ये जरूरी है कि ये सब्जेक्टिव होते हैं। इमोशंस आर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इन नेचर। कैसे भाई, सब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ तो नहीं होते ना, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। इनमें अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग इमोशन हो सकते हैं, सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। तो इमोशंस आर सब्जेक्टिव, किसने कैसे अडेप्ट किया है, ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी वहां आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत बार रेगुलर आएंगी जी वीडियोज, आजकल थोड़ा सा इशू हो गया, बाकी कल से सारी चीजें ठीक से होंगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इमोशंस कैसे आप अडेप्ट करते हैं सब्जेक्टिवली, उसका प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आता है कि भाई दो बच्चे हैं, एक बच्चे की गर्दन टाइट हो जाती है, या कहें तो पता नहीं मतलब बहुत परेशान हो जाता है जब पेपर देने जाता है, और एक बच्चा है जो नॉर्मल है। तो दोनों ने उस एग्जाम फियर को या एग्जाम का जो इमोशन एसोसिएटेड है उनको अलग तरीके से अडेप्ट किया है, ठीक। ये अडेप्ट आप कैसे करेंगे, आपके बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जेनेटिक्स, सबका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं जैसे आप हैं, ठीक है। तो वो एक बात हुई। हमने अगर हम बात करें सब्जेक्टिविटी के लिए, तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी भाई, इस बुक का जो इमोशन होगा वो आप में से, अगर कितने 700 लोग देख रहे हैं अभी, तो 700 लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, या उन लोगों के लिए अलग हो सकता है जो लेट्स लर्न से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हेल्प मिली है कि भाई हाँ हिमांशी ने बुक लिखी है और हमें हेल्प करती है, अच्छी पसंद आई, ठीक। दूसरे लोग होंगे जिनको लगेगा यार ठीक है ना, कोई बात नहीं, या एक अलग सा ही उनके अंदर इमोशन होगा इसको लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम तो हम ज्यादा रिपीट नहीं करते, कुछ नया ही सीख लेते हैं। भाई ये दो ऐसे 500 के नोट हैं, है ना, मतलब ये ऐसे 500 500 1000 रुपए, एकदम अमीरी की फीलिंग आ रही है, बट ये यूज नहीं कर सकती मैं, तो ये इमोशंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी लास्ट मीटअप में, हाँ क्षमा,
तो शमा जी ने ये दिया, मैंने उनको कहा कि नहीं रहने दो, इसका कुछ नहीं होगा, ये मेरे को रखना ही पड़ेगा मजबूरी में, और कुछ होगा नहीं, मैं यूज़ नहीं, इसको कर नहीं पाऊंगी इतने, मतलब ऑब्वियसली ये तो मैटर नहीं करता ना कि 500 रुपीज हैं, मैटर ये करता है कि किसने किस फीलिंग से, किस इमोशन से दिए हैं, ठीक। तो अब ये 500 रुपीज अगर मैं किसी और को शॉप पे दे देती हूँ कुछ लेने के लिए, उसको थोड़ा ना कुछ फर्क पड़ रहा है, उसके लिए नॉर्मल 500 का नोट है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल हो सकता है। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है भाई, सब्जेक्टिविटी है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे इमोशंस, सेम इमोशन किसी के लिए बहुत ज्यादा मैटर या बहुत ज्यादा टचिंग हो सकता है, किसी के लिए वो दूसरी तरह से उसने अडेप्ट किया हो सकता है। एक और दूसरा 500 का नोट है, ये भी स्पेशल है, ऐसे पता नहीं कितने नोट हैं जो अलग अलग तरीके से स्पेशल रहे हैं। तो ये सब क्या है, बेसिकली सब्जेक्टिव इन नेचर, जो इमोशंस एसोसिएटेड हैं इनसे वो अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग होंगे, ठीक। तो अडेप्टेशन इनका अलग है, तो ये एक बात हुई। और ये 14 संवेग वाले जो लोग हैं, उनकी जो थ्योरी है मैकडूगल की, उसको अलग से करेंगे, बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती है बट फिर भी करेंगे। इमोशंस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जो वीडियो मैंने आपको बताया उसमें देखेंगे आप, पुराना वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इसके अलावा जो कुछ और थ्योरीज हैं, जैसे कि हमने मैकडूगल को अलग से समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी जो समझा जा रहा है उसको थोड़ा सा समझ लो, सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत सही है, देखो ऐसे जीवंत बना रहना चाहिए ये सेशन। ये तो बीच में लेट हो गया, ये टेक्निकल ग्लिच हो गया, नहीं तो एनर्जी बहुत गजब की थी आज, तो धन्यवाद अजीत। देखिए अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग प्रकार बताए हैं, जैसे वॉटसन कहेंगे 3 प्रकार के हैं, और 50 लोग हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार दिए हैं, कोई कह रहा है 32 प्रकार के हैं, कोई कह रहा है कि भाई 14 है अगर मैकडूगल की बात करें, तो ये कोई एक एक नहीं है, सब्जेक्टिव है सबकी, अपने जितने भी लोगों ने काम किया है इस पर, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बुक मिल जाएगी अमेजोन से। हाँ ऐसे नोट चॉक पता नहीं क्या क्या सेव करके रखा हुआ है, सिर्फ नोट की बात नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अब समझ लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, और इनको मैनेज कैसे करना है ये, क्योंकि अगर संभाले नहीं गए तो ऐसे मतलब केओस पसर कर देंगे बिल्कुल, जैसे जीवन को ना ऐसे कई लोग अलग अलग तरह से अडेप्ट करने के चक्कर में, कई लोग सेम इमोशन से ऐसे ब्रेकअप ब्रेकअप से निकल के कुछ बहुत बेहतर कर लेते हैं जीवन में, क्योंकि उन्होंने उस इमोशन को, उस एनर्जी को डायरेक्शन दे दी। तो इनको दबाना नहीं है, इनको डायरेक्शन देनी है इमोशंस को, है ना। अगर दबाया जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे जिंदा दफन हो जाएंगे अगर, तो वो बहुत भयानक तरीके से निकलेंगे, फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी पता नहीं किस किस तरीके से, ऐसा फ्रॉइड ने कहा है। तो इनको दबाने की जगह अगर हम बेहतर इनको डायरेक्शन दे दें तो ज्यादा इनका मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है। अदरवाइज एक बंदा हो सकता है सेम इमोशन, सेम ब्रेकअप या कुछ भी इस तरह की चीज से निकल करके कहीं का कहीं पहुंच जाए, गरीबी से निकल करके कहीं भी पहुंच जाए, बट दूसरा बंदा हो सकता है देवदास बन के बैठ जाए, है ना, ऐसे डिस्ट्रक्टिव हो जाए। तो अडेप्टेशन और इनको डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ चीजें इनके बारे में जो जानेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, किसने इसको यूज किया पहले, बहुत बढ़िया जी धन्यवाद, अच्छा लग रहा है। तो हिंदी में जल्दी आएगी बुक, काम चल रहा है हिंदी की बुक पर। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एक अच्छा टॉपिक समझने के लिए भी, और वैसे भी पेपर के हिसाब से भी, मतलब कि सांवेगिक बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जो ये टर्म है अपने आप में, इसको यूज किया था सॉल्वे एंड पीटर सॉल्वे एंड जॉन मिलर, आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम था उनका, एक बार कमेंट करो। जॉन मिलर था, मेयर था, कुछ ऐसा ही था, पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर, हाँ जॉन मेयर, हाँ। तो सॉल्वे एंड मेयर ने इसको पहली बार यूज किया, ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, 1990s में, ठीक है, 1990 में। और इसका इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट बताया। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, तो इमोशनल इंटेलिजेंस वो एक क्षमता है आपकी, एक एबिलिटी है खुद के इमोशंस को
खुद के इमोशंस पर रिफ्लेक्ट करने की, उनको देख पाने की, उनको मैनेज करने की, उनको बेसिकली मॉनिटर कर पाने की, और अपनी थिंकिंग और प्लानिंग को फिर उसी हिसाब से डायरेक्शन देने की, और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के इमोशंस को भी देख करके समझ पाने की, एक सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक बिहेवियर उनके साथ रखने की। तो ये सोशल इंटेलिजेंस में भी काम आती है कहीं ना कहीं, और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इमोशंस क्या है, बहुत ज्यादा एक बहाव की स्थिति है, मतलब एक उत्तेजित स्थिति है, अगर बहुत ज्यादा उत्तेजना होगी किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो फियर हो, चाहे एंगर हो, चाहे लव ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर इमोशंस हाई होंगे, अगर इमोशनल जो फीलिंग है, जो वो बहाव है, वो तेज होगा, तो क्या होगा, इंटेलिजेंस डाउन जाती है कंपैरेटिवली, मतलब बुद्धि, ऐसे बोलते हैं ना, क्रोध में बुद्धि ऐसे गायब हो जाती है, तो बुद्धि का शत्रु है या कुछ इस तरह की चीजें, तो क्या होगा, मतलब इमोशंस अगर हाई हुए, कोई भी एक इमोशन बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा चढ़ाव पर है, तो क्या होगा, बुद्धि थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, उस हिसाब का इंटेलेक्ट आपका उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, बहुत सारे डिसीजंस में आप फिर टेढ़े मेढ़े कर देते हैं डिसीजंस को, ठीक। आज इंग्लिश का जो सेशन है वो हुआ नहीं था, कल सुबह से होगा, कल इंटरनेट का इशू था। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि एबिलिटी टू मॉनिटर योर ओन थॉट्स एंड अदर्स थॉट्स, ठीक है, या उनको किस तरह से डायरेक्शन देनी है। अब एग्जांपल अगर हम इसका लेना चाहें, फीचर्स यही है कि सब्जेक्टिव होते हैं, हमारी लाइफ को एक कलर, एक डायरेक्शन देते हैं कहीं ना कहीं, कॉम्प्लेक्स हैं अपने आप में, ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप कहते हैं ना, कई बार मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही होती हैं, कई बार आप नम फील कर रहे होते हैं, कई बार वॉइड होता है अंदर, है ना, कई बार जॉय फील हो रहा होता है, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हमेशा तो नहीं होते हैं, बट हाँ बचपन में थोड़ा सा सिंपल होते हैं, ठीक है, तो ये एक बात है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस को आज के टाइम में किसने फेमस किया, तो ये कह सकते हैं हम, इमोशनल इंटेलिजेंस एक बुक है डेनियल गोलमैन की, और उनकी एक सेकेंड बुक भी है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन एक अमेरिकन व्यक्ति, ये दोनों भी जो सॉल्वे एंड मेयर थे, ये भी अमेरिकन थे, तो इन्होंने इसको फेमस किया है प्रेजेंट टाइम पर, किसको, इमोशनल इंटेलिजेंस को, और इन्होंने कहा है कि भाई ये ना आईक्यू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इमोशनल इंटेलिजेंस को फेमस करने का श्रेय है इनको, या इन्होंने काम किया है, बुक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, सांवेगिक बुद्धि ये रखी हुई है मेरे सामने ऐसे, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, मतलब आईक्यू से भी ज्यादा क्यों मैटर कर सकती है, भाई आप बहुत बुद्धिमान है, मान लिया आपका आईक्यू स्कोर बहुत बढ़िया है, अपना एग्जांपल ले लेते हो, या आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब ठीक ठाक दिमाग है उनका, ठीक है, इंटेलेक्ट बेहतर है, बहुत सारी एक्टिविटीज में अच्छे से मेंटल प्रोसेसेस जितनी भी हैं वो कर लेते हैं, जो भी चीजें हैं, बट अगर इमोशन हावी हुआ किसी भी, कोई भी एक इमोशन, बहुत ज्यादा आप मैनेज करना नहीं जानते अपने इमोशंस को, तो फिर दिक्कत होगी, फिर आप झगड़ेंगे, फिर आप सर फोड़ेंगे किसी का, या खुद को ही बर्बाद कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है फिर। तो ये बहुत जरूरी है कि जो इमोशंस हैं उनको इंटेलिजेंटली कंट्रोल, मॉनिटर, रिफ्लेक्ट, मैनेज सब किया जाए, ठीक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर बुक का नाम आए तो आप लिखेंगे डेनियल गोलमैन पर टिक करेंगे, अगर पूछे पहली बार किसने यूज किया ये टर्म, तो फिर सेल्वे एंड मेयर, ठीक है। तो ये एक बात हुई, ये दो अलग चीजें थी। अब अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, एग्जांपल लें कुछ, तो इनको थोड़ा सा अच्छा समझ लेते हैं, आप बुक पर बाद में आ जाना, समझ लो थोड़ा सा, मिल जाएगी बुक, अभी तो टाइम है, हाँ अमेज़न पर मिलती है, बफरिंग ऐसी बात मत किया करो। एक मिनट रुको, अभी आगे बढ़ेंगे। देखो डेनियल गोलमैन ने, और एक और टर्म आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का सुना होगा, एग्जांपल से पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ये इमेज आप नहीं दिख पा रहे होंगे क्योंकि इमेज दिखेगी नहीं, यहां है कुछ इशू, एक मिनट रुको, अभी दिखेगी इमेज, हाँ। तो ये एरिस्टोटल या अरस्तु का कथन है जो इनकी बुक में पहले दूसरे पेज पर ही लिखा हुआ है कि भाई एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, कोई भी नाराज हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी मैं कोई एक कमेंट पढ़ूं यहां पर और मैं चिल्लाना चीखना गालियां देना शुरू कर दूं, बहुत कोई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, आसान है कि कोई भी गुस्सा कर सके, भाई हमारे अंदर वॉटसन ने तो कह दिया ना, फियर एंगर लव है तीनों, तो कर सकते हो गुस्सा, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है, ठीक।
बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एंड टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पज, दैट इज नॉट ईजी. मतलब कि सही व्यक्ति के साथ सही समय पर सही उद्देश्य से सही अमाउंट में कब कहां कैसे मतलब नाराज होना है, कितना होना है, वो मुश्किल है. नाराज होना बहुत आसान है. तो इन्होंने कहना क्या चाह रहे थे ये बेसिकली कि अपने आप में क्या चैलेंज है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या इमोशनल इंटेलिजेंस रखना. ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, इमोशनल इंटेलिजेंस वही है जब आपको पता हो किस समय किस संवेग का किस तरह से इस्तेमाल करना है या करवाना है. और इस पर आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट और ये वो 50 तरह की चीजें फायदा उठाते हैं लोगों का, क्योंकि उनको पता है कि भैया इमोशंस कैसे काम करते हैं, सामने वाले के इमोशंस को वो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, उससे खेल पाते हैं. तो ये बड़ा ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स मैटर है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो परफेक्ट होंगे, मतलब ऐसे जीवन से जुड़ी हुई चीज है, साइकोलॉजी कोई ऐसे किताबों से रटने की थोड़ा है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत गजब एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है आज का ही. इमोशनल इंटेलिजेंस भाई देखो हर किसी में है, मतलब ऐसे हर कोई साइकोलॉजिस्ट है आप देखो तो. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस या सांवेगिक बुद्धि की अगर मैं बात करूं, धन्यवाद मुस्कान, तो आज क्या हुआ, आज का ऐसे मतलब कथन है कि भाई दिन में लाइक कर देना वीडियो पसंद आ रहा हो तो, ऐसे शाम में 4-5 बजे मैं कहीं थी बाहर और ऐसे फोन पे और कुछ कर रही थी, मतलब आई कैन नॉट टेल ऑल ऑफ यू. तो फोन पे मैं ऐसे बात कर रही थी और पीछे से एक आंटी आई और वो ऐसे अपना उन्होंने शुरू कर दिया साइट में कि ऐसे बेटा कुछ पैसे दे दो और गरीब को ये पानी पीना है या कुछ इस तरह का, जबकि पानी वहाँ मुझे को पता है पास में खूब आराम से आसानी से मिलता है, तो पानी पी लेगा और ये वो उन्होंने उस तरह से अपना कहानी शुरू की. ठीक है, अब मैं थोड़ी सी परेशान थी किसी रीजन से, तो अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी अब बाद में बात करते हैं और हाँ बूढ़ी को पानी मिल जाएगा कुछ इस तरह से. मैंने उनको पीछे मुड़ के देखा, मैं आवाज़ से नहीं लग रहा था, मैंने कहा आपको लगता है आप बूढ़े हो, तो उन्होंने कहा हाँ. मैंने कहा ठीक है, अब मैं मूड में नहीं थी बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान देने के, तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा आंटी बाद में बात करते हैं, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ. तो अब उनको पता है, देखो इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो सामने वाले का इमोशन को रिफ्लेक्ट पढ़ पाना है ना, उसको फिर उस तरह से मैनेज करना है, एम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक जो भी कहो, अरे बेटा तुम्हारी परेशानी एकदम दूर हो जाए ये वो, उन्होंने एकदम मस्त सही एकदम तीर निशाने पर लगाने की कोशिश की. अब ठीक है, मेरे को पता था ऑब्वियसली मैं साइकोलॉजी खेल रही हूँ आंटी मेरे साथ, तो मैं खेल लो कोई बात नहीं. तो फिर कुछ था, मैं ठीक है मैंने उनको दे दिया कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मूड में नहीं थी बहुत ज़्यादा ज्ञान देने के. तो ये क्या है, हर किसी में है कुछ कुछ चीज़ें ना, इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ अपने ही नहीं कर पा रहे हो, आप सामने वाले के भी कर पा रहे हो. या आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, ऐसे मेरे को आज ऐसे एग्जांपल याद आ रहे हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल बात कह रही हूँ. तो आपने देखा होगा ऐसे आप कई बार स्टेशन पर जाते हैं, कहीं भी इधर उधर जाते हैं, तो बच्चों को भी आजकल ये सिखा दिया गया, सोचो ये इतना बड़ा बिजनेस बन गया कहीं ना कहीं, सभी के लिए नहीं कहूंगी बट हाँ बहुत बड़ा अपने आप में है. ऐसे माफियाज भी पकड़े जाते हैं तो उनको भेज दिया जाता है, स्पेशली कहा जाता है अरे मतलब अगर आप भाई बहन भी जा रहे हो या नॉर्मल फ्रेंड भी हो, दो लोग अगर लड़का लड़की साथ में है, तो वो पीछे से भाग के आएगा और कहेगा कि हाँ बेटा तुम्हारी हाँ भैया जोड़ी सलामत रहे, फलाना रहे, ये रहे, वो रहे. ठीक है, तो ये क्या इमोशनल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी खेली जा रही है कहीं ना कहीं. ठीक है, लोग बिजनेस में अपना सामान बेचने के लिए रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं, अरे मेरा ये बिल्कुल परिवार हो जी आप तो, है ना, ये सब चीजें ये कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस है सामने वाले की. ठीक है, जो छल कपट की तरफ भी लेके जा रही है. तो ऐसा हमें नहीं करना है, बट हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा आप अवेयर रहेंगे तो बेहतर रहेंगे, ऐसे इस्तेमाल थोड़ा कम होंगे. बाकी ऐसे सर कहते हैं अपने कि भैया ठीक है टीचर्स तो होते हैं इस्तेमाल होने के लिए, तो ठीक है अंटिल एंड अनलेस आप जान रहे हो आपका भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है. तो उस तरह से ठीक है, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल थे. चलो सीरियस नोट पे आ जाते हैं. तो अत्याचार, बिल्कुल बिल्कुल खेल गई आंटी. हाँ ठीक है, मतलब आप ऐसे इतने ऐसे कई लोगों के साथ यही तो दिक्कत होती है ना, मतलब उनको लगता है वो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं और बेवकूफ बना पाएंगे लोगों को, तो ठीक है मतलब ऐसे चिल रहो एकदम. हाँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल बिल्कुल गजब की चीज है. सही है सही है. तो बस ये थी आज की कहानी, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा. और किसी ने कहा मतलब ऐसे इतने बड़े होके भी हिल क्यों रहे हो आगे पीछे, तो मैं ऐसे थोड़ा जब इमोशंस की कहानियां सुनाती हूँ तो थोड़ी सी ऐसे भावुक हो जाती हूँ, तो इसलिए होता है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर ली हमने. एक EQ टर्म होता है, इमोशनल कोशेंट,
वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आईक्यू की तरह ही। क्यों? क्योंकि वो आपका इमोशनली आप कितने मैच्योर हैं इस चीज को दर्शाता है। अब इनको मैनेज कैसे करेंगे? अब कहानी तो ये आ गई ना, ये सब तो हमें पता ही है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है फलाना ढिमकाना, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोनिका सही लिखा है, इमोशंस कभी मरते नहीं है, अगर आपने उनको दबा दिया एज इट इज तो क्या होगा, वो और भयानक तरीकों से निकलेंगे, एंग्जाइटी की फॉर्म में, इसके उसके। अब इसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं इमोशंस को, ठीक है, इमोशंस को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस या इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं ये कह सकते हैं। अरे ऐसा बहुत बार होता है, अगर आप इमोशनली थोड़े से सॉफ्ट हो या कुछ भी इस तरह का, तो लोग बहुत साइकोलॉजी खेलने की कोशिश करते हैं तो हाँ बिल्कुल, मैं बना दूंगी अलग से एक वीडियो। आ जाते हैं यहां पर, मैनेज कैसे करना है। अरे जो चैप्टर पढ़ना हो उसमें डूब के पढ़ना चाहिए, इसलिए लग रही होंगी इमोशनल। देखो इनको कैसे करना है, कैथारसिस एक तरीका हो सकता है, कैथारसिस जिसको चिमनी प्रक्रिया भी कहते हैं और फ्रॉइड ने इसकी बात की थी। कैथारसिस बेसिकली निकालना, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, चाहे वो खेल के थ्रू हो, बात करके, ऐसे चुगली करके हो, ऐसे गॉसिप करके, ऐसे मैं आपको कहानियां बता रही हूँ वो, ठीक है, वो एक हल्का फील देगा आपको, आपको शेयर करके थोड़ा सा हल्का फील होगा, या आपने कहीं और एनर्जी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, मतलब आप खेलने चले गए, है ना। ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है वो ही इमोशन आपने, जैसे आपको मन था वही, ये क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पॉजिटिवली एनर्जी को बाहर निकालना है जिससे आपको हल्का फील हो, ठीक। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आप, ये बहुत ही मतलब सही और खतरनाक भी कह सकते हैं, पॉज का तरीका बोल सकते हैं इसको, मतलब ये आप कभी फील भी करेंगे, जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा और टाइम टाइम पर सबको, सबके साथ सारी चीजें होती हैं, तो पॉज मतलब जब आप इमोशनल स्टेट में है, जब आपको लग रहा है इमोशन एकदम तूफान पे है, एक सेकेंड आप रुकें उस सिचुएशन में, बस एक सेकेंड दें खुद को, वैसे ही अगर आप चाहते हैं तो उस सिचुएशन में फिर आप नीचे आ जाएंगे, जैसे जमीन पर आ जाएंगे, तो इमोशनली आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे चीजों को। रिफ्लेक्ट करें अपने थॉट्स पर, जब आपने ऐसे बहुत ही भयानक मिस्टेक्स की हो या आपको लगा हो कि भैया इमोशनली मतलब ऐसे हो गया है काम, झंड हो गई है या ठीक है ऐसे इस्तेमाल हुआ है कुछ इस तरह का, तो उस टाइम पर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आपके जो एक्शंस हैं, आप किस सिचुएशन में कैसे कौन सा इमोशन कैसे अडेप्ट किया हुआ है, और परसेप्शन या सामने वाले के बेसिकली उसको डिस्कस कर सकते हैं ऐसे लोगों से जो सच में ट्रस्टेबल हो, और उसके बारे में सोच सकते हैं अपने इमोशनल स्टेट के बारे में। और वैसे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इमोशनली इंसान थोड़ा सा स्टेबल होता है, ठीक। तो ये एक बात हुई। पवन यादव का 100 रुपीज सुपर चैट, डियर हिमांशी प्लीज चेक योर मेल केयर विल ऐप, ठीक है मैं देख लूंगी, बहुत सारे मेल हो जाते हैं, धन्यवाद, बिल्कुल। चलिए फिर इतनी ही कहानी थी आज की, और ऐप नहीं चल रहा है, ऐप पर अभी काम होना बाकी है, ठीक है। आपके थार्सिस, सप्रेशन, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके लिए अगर आपको बहुत ज्यादा और ज्यादा इसको समझना हो तो एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, इसमें वो बात थी जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी और ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनको रिवाइज किया है, ठीक है। तो ये सभी के लिए कॉमन है ये वाला टॉपिक। हाँ डाइवर्ट कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन आप दूसरी दे सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो दबाने की जगह ना, ऐसे डायरेक्शन दूसरी दे सकते हो, बिल्कुल। ऐसे कई लोग तो मतलब आपक हो देते हैं कई लोग ना, मतलब जैसे ही कुछ भी टॉपिक आता है ऐसे बिल्कुल। चलिए फिर कोई और क्वेश्चन हो आज का इससे रिलेटेड, प्रीवियस ईयर कराएंगे बट आज नहीं करेंगे यूपीटेट वाले, क्योंकि यही सेशन काफी लेट हो गया है, 10:20 हो गए हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, सीडीपी में 26 और 28 हैं, तो इंग्लिश के भी करेंगे सेशन स्टार्ट। लेट्स लर्न ऐप अभी नहीं चल रहा है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सुबह मिलते हैं 5 बजे। और सैड क्यों थी डियर आज आप? अरे कुछ नहीं, मतलब ऐसे होता रहता है कुछ ना कुछ जीवन में ना, ऐसे सभी के जीवन में होता रहता है, मैं भी इंसान होने का फील लेती हूँ कभी कभी ना, तो वो ठीक है, दैट्स ओके। तो हाँ
हाउ टू कंट्रोल, वही बताया, रिफ्लेक्ट करो, पॉज दे सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आप सोचते कैसे हो, पैटर्न कैसा है आपका, किस चीज पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, है ना। ऐसे चालाक दैत्य नहीं बन जाना है कि भैया सारी दुनिया ऐसी करती है तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, ऐसा जैसे को तैसा वाली सिचुएशन ऐसे क्रिएट करोगे तो इंसान ही नहीं रहोगे। 9 बजे मिलते हैं कल, और कल सुबह में पहले 5 बजे मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का, नया टाइम टेबल जल्दी शेयर हो जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ 5 बजे होगा सुबह सेशन, धन्यवाद। मैथ्स का अभी बता नहीं, बता देंगे। ऐप अभी डाउनलोड मत कीजिएगा, अभी उसमें टाइम लगेगा, उसमें कुछ कुछ चीजें और परिवर्तन कराने पड़ेंगे, तब बाद में वो चलेगी, अभी नहीं, है ना। धन्यवाद।